मैंने सुना आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना, उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पर मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोर बेल को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। टॉर्च जला, शायद टॉर्च जला, कैंसिल हो जाएगी। हम यहाँ लाल मस्जिद के अंदर हैं और ये पूरी फेंसिंग जो है उखाड़ दी है यहाँ पर सब लोगों ने मिलके, और मस्जिद अब आज़ाद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब लोग कोई परेशान ना हो, किसी भी तरह की परेशानी जो है आप मत होइए, किसी भी तरह का पैनिक मत होइए। यहाँ पर मस्जिद हमारी आज़ाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पूरी फेंसिंग जो है तोड़ दी है। थोड़ा लेट जागे हैं बट जागे हैं, और कल सब लोग 1:15 बजे यहाँ पहुँचें, और बल्कि 12:30 बजे ही पहुँचें तो बेहतर है। और यहाँ पर बड़े सीनियर अफसरान के साथ मीटिंग है, सीआरपीएफ जो ऑफिसर्स हैं उनकी, और आप लोग सब यहाँ पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँचें, ताकि जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो ये चाहते हैं कि इस मस्जिद को हड़प लें, इस मस्जिद को जो है किसी भी तरह से खाली करवा दें, तो उनका मॉरल डाउन हो और ये मस्जिद आबाद रहे। अभी यहाँ पर जो है करीबन असर, मगरिब और इशा, तीन नमाजें इन लोगों ने नहीं होने दी थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ये फेंसिंग में दिखा, रहमतुल्लाह खान साहब आके इशा की नमाज जमात से पढ़ी। अभी मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये फेंसिंग है जो पूरी तोड़ दी गई थी। ये फेंसिंग लगा दी थी इन लोगों ने यहाँ पे, ये फेंसिंग लगा दी थी इस तरह से, और ये फेंसिंग अब जो है पूरी तोड़ दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तोड़ने में थोड़े बहुत जो है हाथों पे भी लग गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बोले तुम्हारी खैर। ये फेंसिंग तोड़ दी है और यहाँ पर अब जो है मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है, पूरी फेंसिंग तोड़ दी है, तो किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं, जमे हुए हैं, किसी भी तरह परेशान मत होइए, इंशाल्लाह मस्जिद को जो है ज़ाया नहीं जाने देंगे, इंशाल्लाह अल्लाह का घर है, यहाँ पर सब मिलके लड़ेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं जो बता रहा हूँ आपको, 1.5 साल से इस मस्जिद की लड़ाई चल रही थी, और ये जो पीछे लैंड है ना, ये पूरा लैंड वहाँ तक था, जहाँ तक आपको नज़र जा रही होगी वहाँ तक लैंड था। ये लैंड इन्होंने एक्वायर कर करके ये जो मेरे भाई खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये बोरियों के पीछे, ये भाई साहब भी नहीं होते थे यहाँ पे, ये कब्र, ये घर थी, कब्रें थी यहाँ पे, कब्रों को पूरा ज़मीन दोस्त करके अब ये फेंसिंग लगा दी थी यहाँ पे। तो ये सीआरपीएफ ने अब अपनी फ़िलहाल यहाँ पर पार्किंग बना ली, और आने वाले टाइम में हेडक्वार्टर बनाने की प्लानिंग थी। शहीद पकड़िए, चेन लगा, भी निकलवाऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सब कुछ होगा। और ये 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए की जायदाद है, मैं आपको ये बता दूँ, और पूरा मालिकाना हक है ये जो है पक्का है। ये अम्मा है हमारे साथ, अम्मा बताइए, चलो ऐसी बता दो, चलो बताओ। इन लोगों ने हमारे यहाँ पे दरगाह शरीफ थी, नजर अली शाह बाबा की दरगाह थी, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे धर्म के लोग आते थे सलाम करने के लिए, दुआ करने के लिए, फातिहा करने के लिए, और इन लोगों की सबकी मुरादें पूरी होती थी। इन लोगों ने ये दरगाह बिल्कुल बराबर कर दी बिल्डोजर चलाकर, और कब्रें सारी बराबर कर दी बिल्डोजर चलाकर। अम्मा आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? मैं बचपन से लेकर रह रही हूँ। तो आप, ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने आके यहाँ पर आप कब्जा कर लिया? पहली बार ऐसा हुआ जिंदगी में। तो अब आपकी क्या रणनीति आगे की, सब लोग क्या करेंगे? कल हम लोग 12:30 बजे आएंगे इंशाल्लाह। जो है वो हम लोगों की राजनीति, सबसे सलाह लेके एक सलाह जी, चलिए इंशाल्लाह सब साथ हैं इस मामले में हम लोग। आओ तो आप भाई, बड़ी लेट है, आगे एक मर्द मुजाहिद और हमारा चीता बब्बर शेर ऐसे हैं। दानिश भाई फेंसिंग उखाड़ दी भाई, सारी फेंसिंग सारी उखाड़ दी। तो कुल मिला के भाई बात यह है कि यहाँ पर जो है अब माहौल जो है थोड़ा खुशनुमा इसलिए हो गया है क्योंकि फेंसिंग सब उखाड़ दी है, और कल 12:30 बजे यहाँ पर सब लोग पहुँचे, जोहर की नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे। ये फेंसिंग जब हम यहाँ पर बराबर आवाज़ लगा रहे थे तो आप भाई कि ये फेंसिंग लग रही है, फेंसिंग लग रही है, इसको करो कुछ करो, जब किसी ने नहीं सुना, मस्जिद का रास्ता यहाँ से होता था उस वक्त, इलेक्शन थोड़ी था, हाँ ये मस्जिद का रास्ता यहाँ से होता था, ये पूरा वहाँ तक एंड तक कब्जा ही कब्जा कर रखा है इन लोगों ने, सीआरपीएफ ने। तो ये सब चीज़ें हैं, ये
सब मामलात हैं और बहुत ख़राब मामलात इन लोगों ने किए हैं, और इंशाल्लाह जंग में वक्त किए थे तो इंशाल्लाह हम लोग हमेशा, मैं यहाँ पर अपना जो है कंबल बिस्तर लेके आ गया था, मेरे को बोला उन्होंने कि कंबल ले आना, मैं कंबल ले आया, मैंने कहा यहीं रुकेंगे रात में, रात में यहीं रुकेंगे, हाँ जाना ही नहीं है इंशाल्लाह, तो हम लोग यहाँ पर रुकेंगे रात में और जो है सुबह फिर नमाज पढ़ के हम लोग जाएंगे। आल इस्लाम, कैसे हैं भाई? चलिए खैर, बाकी जो है ये आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है कि फेंसिंग तोड़ दिया। मैं दिखाना चाहूँगा पीछे से इस मस्जिद का हाल, आप देखिएगा एक बार कि क्या मामला थे। मेरे साथ जो है टीम के लोग भी मौजूद हैं, इर्शु भाई, मुल्ला जी इस्माइल और शाहिद कांगिया। मैं मुँह छुपा रहा है आज कैमरे से पहली बार। ये फेंसिंग पूरी तोड़ दी है भैया, और ये हमने सब ये ख़त्म कर दिया मामला, और अब जो है इंशाल्लाह इस मस्जिद में कल नमाज होगी जोहर की, इंशाल्लाह जो है फजर की भी होगी। ये फेंसिंग लगा दी थी यहाँ पे, ये सब हमने तोड़ दी है, और ये सब तोड़ कर हम लोग जो है ये भी पूरा जो था ये भी मस्जिद का एरिया था जिसको कवर कर दिया इन लोगों ने। तो आप लोग ऐसे ही साथ देते रहिए, इंशाल्लाह बड़े से बड़े काम इंशाल्लाह हल होते रहेंगे और बड़े से बड़ी मामला हल होते रहेंगे। ये देखो, ये वो मस्जिद और मदरसे का है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको, मस्जिद मदरसा हबीबिया। और ये अभी शायद बंद कर दी मस्जिद, मैं अंदर से दिखाता आपको कि ये अंदर मस्जिद है, बंद हो गई है अंदर से। खैर आप लोग परेशान ना हो, और इस मामले में दुआ करें कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम, कैसे हैं? अस्सलाम, खैर से भाई? तो यहाँ पर जितने भी, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं इतनी दूर दूर से, और जिनने जो भी इस मस्जिद के लिए किया है, तो सब भाई जो हैं दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है इनकी जायज तमन्नाएं पूरी करे और इनको कामयाबी अता करे कि भाई ये लोग सब लोग इतने बैठ के यहाँ पर हमारे साथ खड़े हुए इतनी ठंड में, इतनी गर्श जो है बर्फीली रात में। तो आप लोग सब दुआ करें कि अल्लाह पाक इनकी सब मुरादें पूरी करें। क्या हुआ, क्या हुआ मौलाना? जी मौलाना, क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मैं इसमें बाइट नहीं, बाइट नहीं ले रहा आपकी, मैं कोई प्रेस रिपोर्टर थोड़ी ना हूँ मौलाना, बाइट लेने का काम इनका। क्या जी? मैं लाइव था फरहान भाई, हम तुमसे कह रहे हैं ले लो क्या, चलो अभी जरा लाइव पूरा कर लो फिर बात करूंगा। अच्छा फरहान भाई, कब आए थे आप? क्या क्या रहा? अच्छा फरहान, आज मैं फरहान भाई की रिपोर्टिंग। फरहान भाई, क्या रहा इस मामले में, और क्या क्या आप जो है रिपोर्टिंग आपने की, और क्या इसका जो है हल निकला? पहले तो ये बताऊं कि मामला सब जुडिस है। अच्छा, और जो लोग ये सोचे कि अगर वो कानून हाथ में ले लें या कुछ तोड़ फोड़ करा लें जी, या कुछ इस किस्म की बात हो जाए जो अगेंस्ट द लॉ हो, तो ऐसा ना हो। और बाकी कल इन्होंने क्योंकि टाइम दिया है सीआरपीएफ ऑफिसर से भी, और मेरी भी अभी स्पेशल सीपी से बात हुई है, जॉइंट सीपी देवेश श्रीवास्तव से भी बात हुई है। उन्होंने भी ये कहा है कि कल कमेटी के लोगों के साथ भी बैठेंगे, और जो आसपास के इलाके के जो मौजूद लोग हैं उनके साथ भी, और चेयरमैन वगैरह के साथ भी बैठ के फैसला करेंगे। इनका कहना ये था कि आज अचानक इन्होंने ये कहा कि मोदी जी का रूट है इधर से, जो कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स का रास्ता आप जो देख रहे हैं यहाँ से लाजपत नगर की तरफ जो ये रूट जा रहा है, इधर से मोदी जी का रूट है। और उसको असर के वक्त में तकरीबन 5 बजे के आसपास में कहा कि ना आप लोग नमाज ना पढ़ें और जगह को खाली कर दें। उसके बाद फिर मगरिब का वक्त आता है, उससे पहले पहले तक मोदी जी का जो रूट था, पता नहीं वो वहाँ से निकले या नहीं निकले, या सिर्फ कहा गया, लोगों को हटाने के बाद में इन्होंने फेंसिंग लगा दी, जो आप ये तार देख रहे हैं अभी जो दिखा के भी आप देख रहे हैं, तो वो इन्होंने उनकी तार वगैरह लगा दी। उसी दौरान जो यहाँ के कोई मुतवल्ली हैं उन्होंने, और एक दो जो लोग हैं मकामी, उन्होंने चेयरमैन को कॉल किया वक्फ बोर्ड अमानतुल्ला को, और उनसे कहा कि यहाँ पर सीआरपीएफ जो है वो कब्जा कर रही है, और साथ में उनके सब डिवीजन जो है लाजपत नगर और निज़ामुद्दीन के ACP वगैरह भी साथ में मौजूद हैं, SHOs वगैरह मौजूद हैं, पूरा स्टाफ है, दलबल है पूरा पुलिस का। उन्होंने कहा ठीक है मैं वहाँ पहुँचता हूँ। जब वो यहाँ पहुँचे
तो मगरिब के वक्त से लेकर के बताया गया मुझे अभी कि लगभग 9:30 बजे तक कि ईशा भी नमाज़ पढ़ने नहीं दी, मगरिब अच्छा। पढ़ने नहीं दी, और ये कहा कि हम लोग, हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है, अगर आप देखना चाहो तो ये रहा वो जो चस्पा किया हुआ है ना, इस ऑर्डर में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, पूरे ऑर्डर के अंदर जहाँ तक अगर आप ये देखें, ये जो ऑर्डर है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है साकेत कोर्ट का, और कहीं भी इस ऑर्डर में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि इसको तोड़ दिया जाए, इसको डिमोलिश कर दिया जाए, इसको गिराया जाए, अगर आप पूरा ऑर्डर को पढ़ें। और इसी लाल मस्जिद के ऑर्डर के मुतालिक उन्होंने कहा कि इसका स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कहा गया था। वक्फ बोर्ड पहले से ही, मैं बता दूं नवेद इसके लिए, कि वक्फ बोर्ड इसकी पार्टी है और वक्फ बोर्ड लगातार इसका जो मामला है केस वो लड़ रही है। लेकिन अब क्योंकि आज कंटेम्प्ट की बात ये कह रहे थे अभी अमानतुल्लाह, जिस वक्त अपने इंटरव्यू के दौरान इन्होंने कहा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना की है, और CRPF ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर के यहाँ कब्जा कराने की कोशिश की है, बल्कि कोशिश वर्ड पे उनको मेरे एतराज था, और उन्होंने कहा कि कोशिश नहीं की, कब्जा करा ही लिया था। उन्होंने कहा कि अगर इलाके के लोग, आप जैसे लोग और तमाम यहाँ जमा नहीं होते, और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ धरने पे क्योंकि बैठ गया था और मैंने साफ कह दिया था मैं नहीं उठूंगा चाहे गोली मार दी जाए, तब कहीं जाकर के इलाके के लोगों की मुत्तहदी यूनिटी की वजह से पुलिस ने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है, उसके कहीं बाद जाकर के इस तरीके की हालत फेंसिंग हटवाई गई, फेंसिंग हटाई और तमाम लोग जो यहाँ। अच्छा एक चीज बताइए फरहान भाई, इसके अंदर जब हम 1.5 साल पहले हम इस मामले पे बोल रहे थे कि लाल मस्जिद जो है कब्जा होने वाली है, लाल मस्जिद को बचा लो, तो तब वक्फ बोर्ड क्यों नहीं जागा? Exactly. और मैं आपको एक पूरी बात कंप्लीट कर लूं, मैं ये जो जिस टाइम पर ये था, हम यहाँ पर हर जुम्मे की नमाज पढ़ने आते थे, पीछे मज़ार था, पीछे घर बने हुए थे और उसके पीछे कब्रें थी, तो आज माहौल ये है कि यहाँ पर ना तो वो घर रहे, ना वो मज़ार रहे और ना वो कब्रें रही, ये अब क्यों जा रहा है? मैं बताता हूँ आपको कि सवाल आपने बहुत अच्छा किया, और अच्छा किया मुझे ये बात भी याद दिला दी, पिछले साल जब जब आप लोगों की ये पूरी तहरीक चली, जिस वक्त तक आप लोग आते रहे यहाँ जुमे की नमाज़ पढ़ते रहे और एक हुजूम लोगों का जमा हो जाता था नवेद, ये हकीकत है कि उस वक्त तक वक्फ बोर्ड सो रहा था। और इन्होंने जिस तरह से, मैंने भी ये सवाल किया था, तो इन्होंने कहा कि मैं दोबारा जो चेयरमैन बना हूँ, अभी मुझे बने लगभग 6 महीने हुए हैं, उससे पहले वक्फ बोर्ड क्या कर रहा था मुझे नहीं पता। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि लापरवाही ज़रूर रही है वक्फ की, ये वक्फ बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने भी माना है, जो वक्फ बोर्ड के डिग्नेटरीज हैं, डेजिग्नेटरीज हैं, उन सभी ने माना है। बावजूद इसके मुझे ये बात बिल्कुल कहने में इस वक्त परहेज नहीं होगा, इलेक्शन का टाइम है और आपको सभी को पता है कि इस वक्त में इलेक्शन आने वाले हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हैं, और ऐसे मौके के ऊपर जब अगर यहाँ इसकी फेंसिंग करी जाए, CRPF का डिप्लॉयमेंट कर दिया जाए, मस्जिद को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार के लिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए, या कोई और भी सरकार अगर यहाँ होती दिल्ली में, उसके लिए सबसे बेहतरीन मुद्दा होता इनको भुनाने के लिए। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए फरहान भाई, कि जब ये मस्जिद की बात थी कि पहले क्या होता है, जैसे सरकारें क्या करती हैं, सरकारें ये करती हैं कि भाई सिलेंडर का दाम बोलती हैं कि 1000 रुपये कर देंगे, फिर जब बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है तो उसको 800 रुपये कर देती हैं, यही होता है, और उसके बाद थोड़ा और विरोध होता है 700 रुपये, यानी कि अपने 300 रुपये ऊपर बढ़ा दिए, 500 से 700 कर दिए और 1000 भी नहीं हुआ, तो हम जनता जो है वो इस संतुष्टि में बैठ जाती है कि चलो यार 1000 नहीं हुआ, 700 में काम चला लो। अब यही यहाँ पर इस मस्जिद का हाल मैं आपको बता रहा हूँ, मस्जिद का हाल क्या है कि ये जो पीछे वाला हिस्सा था ये पूरा लैंड वहाँ तक था, अब लोगों ने इसी पर ही जो है सब्र कर लिया कि मस्जिद तो बच रही है, ये हमारी कमी है। मुझे बताया गया कि 8 बीघे से ज्यादा की है। हाँ। नहीं सर 8 बीघे नहीं, 10 एकड़ है, 9.83 एकड़ है, 9.83 एकड़ की ये जगह है, तो ऐसी जगह के ऊपर कब्जा करना और फिर उसके ऊपर लापरवाही बरतना, ये कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए भी सवाल खड़े करता है। और दूसरी एक चीज और बता दूं, जैसे परवेज भाई ने अभी आकर के बताया है, सर आ गया, जैसे अभी परवेज साहब भी बता रहे हैं कि इन पूरे मामले के अंदर वक्फ बोर्ड की ढिलाई लापरवाही जरूर रही है, लेकिन क्योंकि अब आज जब ये मामला इस हद तक आ पहुंचा था कि उनको खुद यहां पर आना पड़ा और चेयरमैन वक्फ बोर्ड के अमानतुल्लाह यहां पर आए और उन्होंने आकर के सबको, जैसा कि उनका कहना है कि रुकवाया, पुलिस के अफसरान से बात कराई और जो कंटेंट ऑफ कोर्ट है उसके लिए कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, तो